ताब्यादारे इताद फरमा बरदारी करन दी तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह महफिल जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे मौके ते जिन्हां बच्चियां ने इस साल के अंदर नाजरातुल कुरान पाक मुकम्मल किया उन्हां बच्चियां दी आमीन हुंदी है। उन्हां बच्चियां दी हौसला अफजाई थोड़ी जी की जाती है कि ताकि उन्हां बच्चियां नूं पता चले असा कोई आम मामूली किताब नहीं पढ़ी, असी बहुत बड़ी अल्लाह पाक दी किताब पढ़ी है जिस किताब की हिफाजत का अल्लाह पाक ने जुम्मा लिया है। और ऐसी किताब है कि अगर असी इंदे नाल प्यार मुहब्बत करांगे, अमल करांगे, इस दे मुताबक अपनी जिंदगी बसर करांगे, तो ये कुरान मैदाने माशर के अंदर फिर सानू कल्या नहीं छोड़ेगा, तनहा नहीं छोड़ेगा, मैदाने माशर के अंदर साड़ी सिफारिश करेगा। तो माशाल्लाह बच्चियां दे वास्ते जो इनामात लैके आते हैं इस दे अंदर खसूसी तौर पर कारी मुहम्मद अरशद बलोच साहब लाहौर, तो माशाल्लाह उन्हें बड़ा खसूसी तावन किया अदरीस खां बलोच, और इस तरह माशाल्लाह भाई मुहम्मद जफर खां बलोच हर मौके पर मस्जिद नाल मेरे नाल प्यार और मुहब्बत करते हैं। बाकी भी मैं अगर इस मस्जिद के अंदर हाँ तो तुसा अहबाब के प्यार और मुहब्बत की वजह नाल तुसी मेरिया जरूरतों को पूरा करते जे तो मैं अल्लाह पाक के घर को आबाद करना। माशाल्लाह अगर मैं खुशहाल हाँ तो तुसा हजरात दे नाल हाँ तुसा मुहब्बत करते जे प्यार करते जे और मैं भी उस दे अंदर दिल लगी नाल जो अल्लाह पाक तौफीक देंदा है अपनी जान तो वध के कोशिश हुंदी कि बच्चियां नूं बेटा समझ के बेटियां समझ के कुरान पाक पढ़ाईदा है ताकि नबी अलैहि सलात वसलाम के फरमान के मुताबिक अल्लाह पाक दे हाँ जड़े बेहतरीन बंदे ने चंगे बंदे ने उन्हां दे अंदर शामिल हो सके। तो बड़ी ही खुश नसीबी की बात है, पिछले साल भी मैं अर्ज़ किया कि जिस साल मैं हिफज़ किया ना तो इस का वैसे तो मेरे उस्ताद मोहतरम कारी कुदरतुल्लाह बलोच साहब ने हिफज़ दे, लेकिन जड़ी मैनू हिफज़ की सनत मिली सी ना वो हज़रत मौलाना शरीफ इलाहाबादी ने दिती सी। और अल्हम्दुलिल्लाह अज जड़े मेरे शागिर्द ने उन्होंने बेटे इंशाल्लाह देंगे इनामात। तो अल्लाह पाक फिर मैं सब दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करना जिन्होंने इस मौके पर तावन किया और अगे पिछे गाहे बगाए मेरे नाल मस्जिद पाक नाल तावन करते ने। तो इस दफ़ा सत बेटियां ने कुरान पाक मुकम्मल किया और दो बेटे ने जिन्होंने कुरान पाक नाजरा मुकम्मल किया। मैं वालदैन नूं गुजारिश करांगा कि कुरान पढ़ लेना आसान है, इस तो बाद तो हाड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इन्हां बच्चों की निगरानी करनी है, अपने कोल बिठा के इन्हां नूं हर रोज़ अपने घर के अंदर कहो कि बेटा तलावत करो, कुरान पाक पढ़ो, अगर कुरान नाल टच रहोगे, कुरान पढ़ते रहोगे, अल्लाह पाक रहमत और बरकतें अता फरमाएंगे। वक्त किल्लत है, बातें बहुत सारिया ने, लेकिन मैं हज़रत उस्ताद मोहतरम कारी कुदरतुल्लाह बलोच साहब, हज़रत मौलाना इमरान शरीफ साहब, भाई मुहम्मद जफर साहब, बाकी भी सारे तुसी मेरे वास्ते मोहतरम जे, यकीन करो जेड़ा बंदा अल्लाह पाक दे घर के अंदर आ जाता ना वह बड़ा मुकर्रम है, बड़ा मुकर्रम है, बड़ा इज्जत आला है, बड़ा एहतराम आला है। तो मैं कारी कुदरतुल्लाह बलोच साहब नूं गुजारिश करांगा कि आ जाए उस्ताद मोहतरम इमरान शरीफ साहब और बच्चों के वास्ते असा एक कुरान पाक लैके आंदा, एक जाए नमाज लैके आती है, एक रेल लैके आती है ताकि बच्चों का जड़ा ताल्लुक है ना आ कुरान पाक दे नाल रहे। अहमद फराज वल्द मुहम्मद साजद, अहमद फराज वल्द मुहम्मद साजद, माशाल्लाह जिन्ना को बच्चा नेक है ना मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक इंदे वालद नूं भी कम से कम इन्ना को नमाजी बना देवे, नेक बना देवे। अहमद नवाज वल्द मुहम्मद साजद, अहमद फराज मुहम्मद वसीम वल्द मुहम्मद अकरम, मुहम्मद वसीम वल्द मुहम्मद अकरम, हाँ जी मुहम्मद वसीम वल्द मुहम्मद अकरम, दुख्तर मुहम्मद अब्दुल बासित, अगर अदील आया या कोई शर्दील आया है तो अगे आ जाए, दुख्तर मुहम्मद अब्दुल बासित नहीं चला के दो, दुख्तर मुहम्मद इस्माइल, इस्माइल
दुख्तर नासर खां बलोच। दुख्तर मोहम्मद मकबूल बलोच। अगर सैफ आया है या मकबूल चाचा आया है तो अगे आ जाए। दुख्तर मोहम्मद मुमताज, जल्दी जल्दी आ जाओ यार, वक्त बहुत थोड़ा है। दुख्तर मोहम्मद मुमताज अहमद रजा या कोई और आया तो अगे तशरीफ ले आए। दुख्तर मोहम्मद साजद। दुख्तर मोहम्मद अशफाक खां बलोच। भाई मोहम्मद अशफाक के तशरीफ लाए हो।